फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता की इस थाली का। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। आज ना कुछ फरेब होने जा रहा है, कुछ सब्जी के साथ में, गोभी के साथ में। क्या बन रहा है? फरेबी गोभी। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सारे टिप्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से मिलके बनाते हैं फरेबी गोभी। जो मेरी यूनिक सी डिश है ना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने लगभग 2 टेबल स्पून भर के बेसन लिया है। कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। इसको कढ़ाई में डाल के रोस्ट करना है। ये देखिए, बेसन में से बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है, सारा घर मेरा महकने लगा है। पड़ोसी सोच रहे होंगे हलवा बन रहा है, हलवा नहीं बन रहा है, बस इसका कच्चापन निकालना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बेसन मेरा बहुत अच्छे से भुन चुका है। 1 कप भर के मैंने दही लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 1/2 टीस्पून मैंने मसाले लिए, मसाले बता देती हूँ जल्दी जल्दी। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सौंफ धनिया का पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी, किचन किंग अमचूर और रेड चिली फ्लेक्स। अब ये बेसन डालेंगे इस दही में। अब ये देखिए, सारे मसाले भी इसी में डाल देंगे, ये जो 1/2 टीस्पून लिए है मैंने, और इसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अब ये देखिए, गोभी के मैंने फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं। ये बड़े बड़े फ्लोरेट्स हैं, ज्यादा छोटे फ्लोरेट्स आपको नहीं करने हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। और ये मैंने वही कढ़ाई रख ली है जिसमें बेसन भुना है, और उसमें 2 स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, आवाज आ रही होगी आपको। मैं इसको, ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे से सौते करेंगे। हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं करनी है, लेकिन हमें इसे करारी रखनी है। ये देखिए, क्योंकि हमारी जब ये जो बनाने जा रही हूँ मैं फरेबी गोभी, इसको क्या है कि उसमें ये गोभी गलेगी नहीं, इसलिए यहीं पर हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे करके सौते करेंगे। ये देखिए, मैंने गैस बिल्कुल हाई पे कर दी है, कोई स्लो पे नहीं है, और इसको मैं लिड लगा देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी करारी भी हो जाएगी, सॉफ्ट भी रहेगी। ये देखिए, 1 आलू मैंने, ज्यादा नहीं, 1 आलू को ये बड़े बड़े पीसेस करके काट के पानी में डिप करके रख दिया, काले नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए, इधर ये गोभी हो रही है, तो इसको अभी हम फिर से ऐसे टर्न करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए, गोभी मैंने 2 बार टर्न कर दी थी, फ्लिप कर दी थी, और ये देखिए मेरी शैलो फ्राई हो चुकी है, और कितना अच्छा गोभी का कलर आया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, गोभी मैंने निकाल ली है, मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए कुक हो चुकी है। इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, एकदम खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ये देखिए, पर गल चुकी है। ये देखिए, इसी में फुल गैस पे अब ये मैं आलू भी अच्छे से सौते कर लूंगी, और ये भी ऐसे ही सेमी कुक हो जाएंगे। अब ये देखिए, जब तक आलू हो रहे हैं, उसके ऊपर मैंने लिड लगा दी है, तब तक मैं आपको बैलेंस तैयारी बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने जो बेसन दही में करके रखा है वो तैयार है। बैलेंस मसाले निकाल लिए, 1 टीस्पून मैंने सौंफ और धनिया का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, फिर से 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून इस बार सब्जी मसाला लिया है, किचन किंग ने लिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट एज पर योर हेल्थ, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली ली है। और ये देखिए, 2 बहुत बड़े बड़े मैंने टमाटर काटे हैं, छोटे हैं तो 3 ले लीजिए। अदरक मैंने खूब सारा चॉप किया है, एक इतना बड़ा अदरक मैंने चॉप किया, और ग्रीन चिली मैंने चॉप की है। 2 मिनट के लिए लिड लगा दी थी। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने करारे करारे, जैसे आलू की चाट मिलती है ना। और चलिए, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, जितने इनके गलने हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत आराम से मेरा नाइफ जा रहा है, ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये कच्चे आलू लिए थे, अब मैं इनको भी प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, आप डीप फ्राई करते तभी भी सेम टेस्ट आता, लेकिन मैंने शैलो फ्राई किए हैं तभी भी सेम टेस्ट आएगा। अभी देखिए, जो ऑयल मैं यूज कर रही थी शैलो फ्राई करने के लिए, वो इसमें थोड़ा सा बचा था, और 1 टीस्पून मैंने ऑयल उसमें और ऐड कर लिया। इसको गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें क्यूमिन सीड डाल देंगे, जीरा, मस्टर्ड सीड डाल देंगे। ये देखिए, मसाले वाली सौंफ ली है, मसाले वाली सौंफ डाल देंगे। ये देखिए, जीरा, सौंफ और जो मस्टर्ड सीड है तड़क गए हैं, क्रैकल हो गए हैं, अब इसमें अदरक डाल देंगे। अब ये देखिए, इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ज्यादातर सब्जियों में क्या करते हैं, मसाला पहले भूनते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमने जो टमाटर काट के रखे हैं, कोई भी मसाला नहीं डाला है, हम ये टमाटर खूब अच्छे से इसमें सौते करेंगे। तो इसमें ना देसी टमाटर लेना, और इसमें पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि ये गल जाए बहुत अच्छे से। देखिए, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, आप इसका
ढक्कन लगा रही हूँ, लिड लगा रही हूँ, दो मिनट के लिए टमाटर अच्छे से मशी हो जाए। जब तक मेरे टमाटर की ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। देखिए, नंबर वन, आप यदि इसे डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है, ठीक है। नंबर दो, मैं आपको बताती हूँ, जो अनियन लवर है वो इसमें अनियन डाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे कहने से बिना अनियन के बना के देखना, आपको हर इंग्रेडिएंट की स्मेल आएगी। जब आप फील करेंगे ना, आपको हल्दी की भी स्मेल आएगी, आपको धनिये का भी टेस्ट पता चलेगा, आपको लाल मिर्च का और हरी मिर्च का भी टेस्ट पता चलेगा। तो एक बार आप मेरे तरीके से बिना अनियन के इसको बना के देख लेना, लेकिन यदि आप अनियन डालना चाहते हैं तो जब मैंने टमाटर भुने हैं उससे पहले आप अनियन चॉप करके फ्राई कर लेना। दो मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर मेरे बहुत अच्छे से मशी हो चुके हैं, आप ये देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मशी हो चुके हैं। वो जो मैंने वन पिंच सॉल्ट डाला था उसी से हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमने मसाले लिए हैं सारे मसाले हम एक साथ डाल देंगे। अब देखिए, मसाले डाल के अब इन्हें हम थोड़ा सा ऐसे अच्छे से सौते करेंगे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। जो मैंने मसाला डाला है उसे मैंने दो तीन मिनट भुना है। अब देखिए क्या करना है, ये जो मैंने बेसन बना के रखा है, मसाला जो बेसन में बना के रखा था, बेसन भून के रखा था, दही में डाला था, अब क्या करना है, बेसन सोच रहा है कढ़ी बन रही है, कढ़ी थोड़ी बन रही है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमने गैस को कम कर दिया है, यानी इसका टेम्परेचर लो कर दिया है, और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे इसमें। देखिए, अब आपको हाथ नहीं रोकना है, इसमें है, लेकिन अभी मैं आपको उसमें बताऊंगी कि क्या करना है, पर आपको इसे बॉयल आने तक मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। एक हाथ से मैं चलाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को इस समय हाथ बिल्कुल नहीं रोकना, वरना अलग अलग हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। और ये देखिए, मैंने उसी बोल में वाटर ले लिया है, करीब एक बोल। अब ये देखिए, खूब अच्छे से भुन चुका है। अब क्या करूंगी, मैं ये वाटर ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए, सारा ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पास से जूम करके दिखा रही हूँ मैं कैमरा आपको, ये बॉयल आना शुरू हो गया है, और इसे हम चलाते रहेंगे दो मिनट बस। और ये क्योंकि बेसन हमारा ऑलरेडी रोस्टेड था, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कच्चा नहीं है इसमें, और ये बहुत बड़ा फरेब हुआ है कढ़ी के साथ आज। अब ये देखिए, जब इसमें बॉयल आ गया अच्छे से, अब हम ये आलू और ये गोभी इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, गोभी के अंदर तक, आलू तक में इसका फ्लेवर जाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, अब गैस को करेंगे सिम, और इसको हम दो मिनट के लिए लिड लगा देंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं फरेबी गोभी। ये देखिए, रुकिए रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, इसमें अभी एक स्टेप और बचा है। ये देखिए, कढ़ाई मैंने पीछे रख दी है सब्जी की, और अब क्या करा है, एक पैन में देसी घी ले लिया है। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, लाल मिर्च का छौंक इसमें तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे कलर के लिए, गैस करेंगे बंद, इसको हटाएंगे, और अब इसका फाइनल टच देंगे। अब ये देखिए, कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के डाल देंगे, और जो हमने ये तड़का डाला है इसको दो मिनट के लिए इसके अंदर फ्लेवर होने देंगे, और रेडी टू सर्व। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी फरेबी गोभी? गोभी के साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ है, गोभी सोच रही है मेरे साथ आज क्या हो गया। तो आप कब बना रहे हैं, जल्दी से चाहिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये फरेबी गोभी कैसी लगी, किस शहर से, किस जगह से, किस सिटी से बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।